press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. अगर दोस्तों आप भी माइक लेना चाहते हैं, ढूंढते हैं माइक कोई सस्ता कि एकदम चीप में एकदम बेस्ट माइक, तो दोस्तों और देखते रहिए वीडियो। आज हम बात करेंगे चीपेस्ट माइक की जो कि काफ़ी अच्छी वॉइस आपको दे सकता है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सौरभ, आप देख रहे थिंक अबाउट टिकट चैनल। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों चीपेस्ट माइक की बात करें तो चीपेस्ट माइक आपके पास अभी मौजूद है। जी हाँ दोस्तों, चीपेस्ट माइक जैसे आ गया आपका फ़ोन। दोस्तों पहले मेरे पास कोई माइक नहीं था, मैं बताना चाहता हूँ। कभी कभी मैं इससे शूट करता था DIY, मतलब मेरा हेडफोन ख़राब हो गया था पर माइक अच्छा था उससे शूट करता था। आप चाहे तो अपने हेडफोन का भी यूज़ कर सकते हैं दोस्तों, वो सबसे बेस्ट माइक होता है, वो आपके मोबाइल के भी माइक से काफ़ी अच्छा माइक होता है दोस्तों। अब बात करते हैं अपने दूसरे माइक की तरफ। दूसरा माइक भी आपके पास मौजूद है दोस्तों, दूसरा माइक आपके पास है आपका खुद का मोबाइल फ़ोन। जी हाँ दोस्तों, आप एक तरफ अपने फ़ोन में वीडियो चालू कर दीजिए, एक तरफ अपने एक तरफ आप मोबाइल से रिकॉर्डिंग चालू कर दीजिए, साउंड रिकॉर्डिंग दोस्तों। उसकी भी एडिटिंग मैं आपको दिखा दूंगा कैसे एडिट करते हैं ऐसे वीडियोस को। तो इसको देखने के लिए चैनल को आपको हमारे सब्सक्राइब करना होगा, दबाना पड़ेगा बेल आइकन को, तभी आपके पास नोटिफिकेशन जा पाएगा और इस वीडियो को करना पड़ेगा लाइक। तो दोस्तों एडिटिंग है वो सब बात की बातें, पर अगर आप यूज़ करते हैं अपने हेडफोन को तो वो काफ़ी अच्छी ऑडियो आपको दे देगा। जी हाँ दोस्तों, काफ़ी अच्छी ऑडियो आपको प्रोवाइड कर देता है आपका हेडफोन। दोस्तों हेडफोन पास की बात है, अगर आप कैमरे से रिकॉर्डिंग करते हैं तो हेडफोन की आवाज़ आपको नहीं आती है, उसके लिए आपको अलग से एप्लीकेशन डाउनलोड करना पड़ेगा जिसका नाम है ओपन कैमरा। जी हाँ दोस्तों, मोबाइल में कोई भी माइक सपोर्ट नहीं करता ऐसे, नहीं तो ऑडियो स्प्लिटर आपको लेना पड़ेगा। दोस्तों जैसा कि आप देख सकते हैं, मैंने बोया का माइक अपने कनेक्ट किया है, बोया का BY-M1 अपने कॉलर पे, जैसा कि आप देख सकते होंगे। तो इसे भी मैंने अपने मोबाइल से ही कनेक्ट किया है, पर ये डायरेक्ट कनेक्ट नहीं होता है, इसे चाहिए ओपन कैमरा, क्योंकि ये कोई भी नॉर्मल कैमरा एप्लीकेशन सपोर्ट नहीं करता है दोस्तों। उसके लिए भी कुछ सेटिंग्स होती हैं, आप बने रहिए हमारे साथ, मैं आपको बता दूंगा कैसी सेटिंग करके आप अपने हेडफोन या फिर अपने माइक को कनेक्ट कर सकते हैं अपने फ़ोन के साथ दोस्तों। दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही, कोई भी सवाल या सुझाव हो तो हमें देना ना भूलेगा हमारे चैनल थिंक अबाउट टेक पे, और मुझे आप कहीं पे भी फॉलो कर सकते हैं, इंस्टाग्राम फेसबुक ट्विटर लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। तो दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही, उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। तो जय हिंद, वंदे मातरम।